देश में नीट के नतीजे को लेकर बवाल मचा हुआ है। इधर बड़ी खबर यह है कि नीट परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिर इनकार किया है। अदालत ने एनटीए और सरकार से 8 जुलाई तक मामले पर जवाब मांगा है। बता दें कि एनटीए ने हाई कोर्ट से याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 10 याचिकाओं में 49 छात्र और एक छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट एनटीए की ओर से दाखिल 4 याचिकाओं पर भी विचार करेगा। इनमें देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न हाई कोर्ट में नीट यूजी मामले की हो रही है सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की तरफ से दाखिल की गई याचिका में परीक्षा को रद्द करने और उसे नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश मांग करते हुए इस परीक्षा में हुई अनियमितता की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई के द्वारा कराए जाने की मांग की गई है। अभ्यर्थी नतीजे को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में मामला है, लेकिन एक दूसरी परीक्षा से जुड़ी खबर आ गई है। हल्ला गुल्ला मचने से पहले ही सरकार ने यूजीसी एनईटी इम्तिहान रद्द करने का ऐलान कर दिया। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। मामले की गहन जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब नेट इम्तिहान रद्द होने के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए को बैन करने की मांग उठने लगी है। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि नेट रद्द कर दी गई तो क्या अब नीट की बारी है? और सबसे पहले नीट पेपर लीक मामले में बिहार से बड़ी खबर आ रही है। पटना में इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट यानी ईओयू इस मामले की जांच में जुटी है। उसी जांच को लेकर खबर है कि ईओयू पेपर लीक से जुड़ी अब तक की विस्तृत जानकारी शिक्षा मंत्रालय को उपलब्ध कराएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने पेपर लीक मामले को लेकर ईओयू से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े सबूतों की लिस्ट तैयार भी कर ली है। खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान भी ईओयू सबूतों के बारे में जानकारी दे सकता है। ईओयू के अधिकारियों ने हर स्तर पर तथ्य रखने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पेपर लीक से जुड़े सबूतों में जला हुआ प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट, बुकलेट नंबर, पोस्टेड बैंक चेक, पेपर लीक माफिया से रिकवर फॉर्मेट किया हुआ मोबाइल फोन, अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट भी शामिल है। साथ ही गिरफ्तार अभ्यर्थी का और मास्टरमाइंड कहे जा रहे शख्स का कबूलनामा भी जांच एजेंसी के पास है। इसके अलावा ईओयू के पास उस लोकेशन की भी जानकारी है जहां अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए। पेपर लीक में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के कबूलनामे और आरोपियों की तरफ से पूछताछ में दी गई जानकारी को भी शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ईओयू रख सकता है। पेपर लीक में शामिल माफिया का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी सामने रखेगी। इस मामले में ईओयू ने 11 अभ्यर्थियों को बुधवार को पूछताछ के लिए पटना में बुलाया था। उनमें से 2 अभ्यर्थी जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे, जिनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। तो शिक्षा मंत्रालय ने ईओयू से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तो ईओ ने सबूतों की लिस्ट तैयार कर ली है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के पटना से। पटना में 2 आरोपियों से 3 घंटे तक लगातार पूछताछ चली है। तो नीट परीक्षा धांधली मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, पटना से 2 आरोपी जो हैं उनसे लगातार पूछताछ चली है और बिहार ईओयू शिक्षा मंत्रालय जो है वो जानकारी देगा इस बात की।